तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सचिन पायलट इस वक्त नजर आ रहे हैं तस्वीरों में और अशोक गहलोत मौजूद हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कांग्रेस कमेटी के ओर से और विशेष रूप से कांग्रेस अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी की ओर से निरीक्षक के रूप में आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी को वहां पर नियुक्त किया गया था एवं पिछले 3 दिन की पूरी प्रक्रिया के बाद केसी वेणुगोपाल जी यहां पर उसका क्या नतीजा रहा उसके बारे में घोषणा करेंगे। मैं निवेदन करूंगा केसी वेणुगोपाल जी से। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी, न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग हेल्ड ऑन 13th डिसंबर जयपुर पीसीसी ऑफिस यूनानिमसली अडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन दैट ऑर्गेनाइजिंग द लीडरशिप ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव पार्टी एंड चीफ मिनिस्टर टू द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट। As the legislative party decided to authorize Congress president, after consultation with various leaders and legislators, Congress president already took some decisions. As the observer of the Rajasthan Legislative Assembly leadership election, I would like to inform you the decision of the Congress president. The Chief Minister of Rajasthan, Congress president already decided, Mr. Ashok Gahlot ji, as the Chief Minister of Rajasthan, along with Ashok Gahlot ji, Sachin Pilot ji will be the Deputy Chief Minister of Rajasthan. I think experience and dynamic leadership will come together in Rajasthan. Congress President and entire Congress Party is believing that this leadership will give total strength to the party and fulfill the aspirations of the people of Rajasthan. I am requesting Ashok Gahlot ji and Sachin Pilot. अभी वेणुगोपाल जी ने जो आपको अनाउंस में किया उसके लिए मैं और मेरे साथी सचिन पायलट जी और तमाम हमारे जो मंत्रिमंडल साथी बनेंगे हम सब मिलकर के राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप गुड गवर्नेंस देंगे राजस्थान के अंदर। और जो 5 साल तक वहाँ पर लोगों ने जो तकलीफ भोगी है, बड़ी बड़ी हमारी योजनाएँ रिफाइनरी की बंद कर दी और हमारी जन कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया, उसको लेके लोगों में बहुत भारी गुस्सा था। और हमारी मुख्यमंत्री महोदय, जैसा कि आप सब जानते हैं, वसुंधरा जी किसी से मिली नहीं 5 साल तक, ना अपने जनता से, ना अपने विधायकों से, ना पूरी तरह मंत्रिमंडल के साथियों से। तो गुस्सा था उनके प्रति बहुत भयंकर, वो भी खुल के बाहर आया और सरकार बनी वहाँ पर, कांग्रेस की बनने जा रही है। मैं वहाँ की जनता को, मतदाताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा एक बार पुनः इस मौके पर, उन्होंने कोई कमी नहीं रखी सहयोग करने में। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। सचिन जी 2 मिनट बात करेंगे। साथियों, इसी कमरे में हम बैठे थे और किसको मालूम था कि 2-2 करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का, कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्यों का जिन्होंने ये चुनाव किया है, अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया है प्रदेश का। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि प्रदेश में
जो जनादेश पब्लिक ने दिया है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तीनों चुनाव इस देश की राजनीति को बदलने वाले चुनाव थे। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी है इस प्रदेश में, राजस्थान में, प्रगति, शांति, भाईचारा, नौजवानों के लिए अवसर, किसानों को आर्थिक संकट से मुक्ति, इन तमाम मुद्दों पर जनता ने मोहर लगाई है। और ये तीनों राज्यों में जो परिणाम आए हैं, ये देश को संतोष देने वाले परिणाम हैं। बहुत से लोग जो आशावान थे और ऐसे लोग जो आशा खो चुके थे, दोनों में परिवर्तन आया है। लोगों को अब उम्मीद है कि 2019 के अंदर बहुत बेहतर बहुमत लेकर कांग्रेस और यूपीए केंद्र में सरकार बनाएगी। उनके मनोबल परस्त होने का मुख्य कारण यह है कि राहुल गांधी जी ने तीनों राज्यों में एक इंट्रेंच सरकार जो बीजेपी की थी, इन तीनों को बाहर किया है। और मैं राजस्थान प्रदेश की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने पूरा आशीर्वाद हम लोगों को दिया और एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार राजस्थान में हम लोग बनाने जा रहे हैं। हम लोग महामहिम गवर्नर के पास पहले ही गए थे अपना दावा पेश करने के लिए, और इन चुनावों के बाद आज जो अवसर मिला है काम करने का, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा सौभाग्य वाला है। मुझे जब भी मौका मिला, चाहे वो सांसद के रूप में